Make sure to like the video, subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss an update. हेलो गाइस, ये जो वीडियो यहाँ पर हम आपको बताएंगे, आप अपने Realme C1 डिवाइस में या फिर Realme C2 डिवाइस में किस तरीके से कोई भी ऐप को हाइड कर सकते हैं। गाइस, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है जो लोग Realme यूज़ करते हैं उनके लिए। तो आइए फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले बता दूँ भाई, आप सभी देख रहे हैं स्टार्क टेक्नोलॉजी और मैं हूँ आपके साथ हमेशा की तरह रोनी स्टार्क। तो चलिए फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपके फ़ोन आपके हाथ में लेना है, उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स पर। तो जैसे आप सेटिंग्स पर आएंगे, आपको नीचे की तरफ आना है। गाइस, यहाँ पर मैं आपको वक्त नहीं लूँगा, ध्यान से बता दूंगा, आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आप लोग इस्तेमाल कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको जाना है सिक्योरिटी ऑप्शंस पे। अब जैसे ही गाइस यहाँ पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आते हैं जहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है, एंड यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है ऐप का। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे आपको सेट पासकोड ऐसे कुछ लिख कर आते हैं, यहाँ पे आपको पासकोड सेट करना है। गाइस, जैसे कि मैं यहाँ पर पासकोड लगा रहा हूँ 2580 ऐसे करके, नहीं कुछ और लगा देते हैं, जैसे कि 0000 ऐसे। मैं फिर से यहाँ पर 00 लगा देता हूँ एंड वेरीफाई कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कर देना है एक व्हाट इज़ द नेम ऑफ वन ऑफ योर टीचर्स, यहाँ पे आप एक टीचर का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं बस बैकअप के लिए। बाद में जब आपके पासवर्ड मतलब आप खो देते हैं पिन, तो यहाँ पे ऐसे वो वापस ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ स्विच, उसके बाद डन कर देते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे करेंगे ऐप्स को लॉक। तो गाइस, यहाँ पे हम सब कुछ अनचेक कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग लॉक करना चाहेंगे फ़ोटोज़ को, एंड यहाँ पे करना चाहेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ वीडियोज़। तो गाइस, यहाँ पर वीडियोज़ हो चुका है एंड यूट्यूब, ये तीनों ऐप्स मैं यहाँ पर लॉक कर देता हूँ। अब गाइस, यहाँ पे हमें करना है और कुछ चेंजेस, जैसे कि हमें ढूंढना है कौन सा एप्लीकेशन हमने लॉक किया था। तो ऊपर की तरफ आना है, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ़ोटोज़ के अंदर लॉक लगा हुआ है, हमें यहाँ पे कर देना है क्लिक। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए हाइड होम स्क्रीन आइकॉन, तो यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। अब यहाँ पर देखिए आपको देना है एक्सेस नंबर, ध्यान रहे ये एक्सेस नंबर आपको याद रहना है। अब गाइस, यहाँ पर हमें एक्सेस नंबर मैं जैसे कि यहाँ पर दे रहा हूँ 888, ओके। यहाँ पर मैं 88 देने से नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको हैश देना है, एंड उसके बाद 88 फिर से हैश देना है, उसके बाद आपको डन कर देना है। एंड जैसे ही आप यहाँ पर डन कर देंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो है आपका एक्सेस नंबर किस तरीके से काम करते हैं। अब गाइस, यहाँ पर हमने जो फ़ोटोज़ को हाइड किया था, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, बैक ले चल के आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपके मतलब कहीं भी फ़ोटोज़ नहीं मिलेंगे। ये देखिए वीडियोज़ वगैरह सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे कोई फ़ोटोज़ का ऑप्शन नहीं है। अब गाइस, आपको फ़ोटोज़ कहाँ से ढूंढना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कॉल बटन पे जाना है, एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है हैश, उसके बाद 888 एंड हैश। गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपके सारे के सारे जो हाइड ऐप्स है वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। ये काफ़ी अच्छा सेटिंग्स है आपके Realme डिवाइस के लिए। गाइस, अगर आप चाहे तो इसका अभी उपयोग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मदद होते हैं वीडियो से, तो हमें भी थोड़ा सपोर्ट करके सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए मिलते हैं अगले वीडियो पर, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए आप किस तौर पर वीडियो देखना चाहते हैं, कैसे आपका हेल्प हो जाएंगे। तो तब तक, जब तक हम वीडियो लेकर ना आए, तब तक आप सारे लोग बेहद खुश रहिए, एंड ज़रूर लाइक एंड शेयर कर दीजिए।